देखी होंगी एंड अलग अलग टाइप के मैप में आप लोगों ने अलग अलग टाइप की गेमिंग करी होगी। लेकिन गाइज अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को ये पूरे 6 के 6 मैप एक मैप पे मिल जाए तो मैं जानता हूं आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं हमारे गेम में बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक मिक्सिंग मैप देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को एक मैप के अंदर पूरे के पूरे मैप्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे चेंजेस के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए डायमंड गिव अवे है। आप सभी डायमंड कैसे जीत सकते हो वो तो आप लोगों को वीडियो के अंदर ही कहीं पता चलेगा। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड रॉयल के बारे में, बिकॉज गाइस आप लोगों को भी पता है कि ओबी अपडेट के बाद से हम लोग सबसे ज्यादा जिस बंडल का वेट करते हैं वो है गोल्ड रॉयल का बंडल। वैसे भी गाइस आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों को गोल्ड रॉयल के अंदर ये वाली फीमेल का बंडल देखने को मिलता होगा एंड आप में से सभी लोग ने इस वाले बंडल को निकाल दिया होगा। यार जिसने नहीं निकाला है निकाले ना यार, फ्री में मिल रहा है तो क्यों छोड़ रहे हो। एंड वही बात कर रहे हैं कि इस बार हम लोग को OB43 अपडेट में कौन सा गोल्ड रॉयल का बंडल देखने को मिलेगा, क्या कोई मेल का बंडल मिलेगा या फिर वापस से हम लोगों को फीमेल का बंडल मिलेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, अभी आप लोगों को पता है ना कि गोल्ड रॉयल के अंदर हम लोगों को ये फीमेल का बंडल देखने को मिल रहा है। बट गाइस आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि OB43 अपडेट के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक मेल का बंडल देखने को मिलेगा। एंड मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे थे इस बार एक बार हम लोग को दिखाओ तो कौन सा बंडल मिलेगा। आप लोग को दिखाऊंगा बट आप लोग मुझे ये बताओ ना कि इस टाइम आप लोग के वॉलेट में यानी कि अकाउंट में कितने ज्यादा गोल्ड अवेलेबल है। गाइस मेरे वॉलेट में अभी रिसेंट में इतने गोल्ड अवेलेबल है। जैसे कि मैजिक वाली बात बताऊं, ओबी अपडेट से पहले आप लोगों को मेरे अकाउंट में इसे डबल गोल्ड देखने को मिलेंगे। क्योंकि यार जैसे ओबी 43 का अपडेट आएगा ना उसके बाद से हम लोग को गोल्ड रॉयल के बंडल निकालने के लिए गोल्ड की नीड रहेगी एंड उसके बाद से वेपन रॉयल के रिवॉर्ड निकालने के लिए गोल्ड की नीड मिलेगी। हाँ अगर आप लोग को भी गोल्ड ट्रिक चाहिए ना कि फ्री में आप लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कैसे इकट्ठे कर सकते हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर देना। 43 अपडेट आने से पहले मैं आप लोग को ट्रिक बता दूंगा। यार बातों में तो हम लोग गोल्ड का बंडल देखना ही भूल गए। यार आप लोग को इतने सारे बंडल देखने को मिल रहे हैं तो इनमें से एक बंडल आप लोग को हमारे गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा। बाकी यार कल की वीडियो में मैं आप लोग को कंफर्म कर दूंगा कि इनमें से कौन सा एक बंडल आप लोग को हमारे गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा। अपडेट नंबर 2, तो गाइस अगर आप लोग ने भी ओल्ड फ्री फायर खेला होगा ना तो आप लोग को याद होगा कि पहले हमारा वर्ल्ड क्या सिस्टम कैसा हुआ करता था। हम लोग को यहाँ पर मैसेज देखने को मिलता था एंड हम लोग वर्ल्ड के किसी भी प्लेयर से बात कर सकते थे। लेकिन यार जब से फ्री फायर बैन हो गया ना उसके बाद से हम लोग को जो ये वर्ल्ड क्या सिस्टम है ना वहाँ पर कोई ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता है, मतलब टाइपिंग करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे किसी से भी। एंड गाइस मुझे याद है कि पहले मैं वॉइस चैट सिस्टम से आप लोग में से कितने लोगों से बात किया करता था एंड काफी ज्यादा मजा आता था एंड यार वो ओल्ड फीलिंग तो क्या ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल थी। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ ना कि जो ये वॉइस चैट सिस्टम है ना ये आप लोग को दोबारा से हमारे फ्री फायर गेम में देखने को मिलेगा तो आप लोग